हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक ये चीज़ बताना चाहूंगी कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, मतलब कि हो सकता है कुछ पार्ट आप रिलेट कर पाओ, कुछ पार्ट हो सकता है आप ना रिलेट कर पाओ। ओके, तो जो आप रिलेट कर पाते हो आप उसको लो, बाकी चीज़ों को साइडलाइन कर दो। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, पेशेंस एंड इनडिसिजन, और साथ में आए हैं हॉस्टिलिटीज़। बाप रे, सारे ही बहुत डार्क कार्ड्स आए हैं आज मेष राशि के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ देखोगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेके खुंदस चढ़ी हुई है या गुस्सा चढ़ा हुआ है कि आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हो कि कब मैं उस इंसान से लड़ाई करूं, लिटरली। ओके, तो बट इन जनरल ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, आपको कुछ ऑप्शन दिया जा सकता है, आज आपको कोई चॉइस बनानी पड़ सकती है। और चॉइस हमेशा ये नहीं होती है कि करियर में चॉइस आना, ये होना वो होना, आज आपको सही गलत में भी चॉइस बनानी पड़ सकती है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या स्टेप लेना है क्या स्टेप नहीं लेना है। ओके, तो उसके अंदर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पेशेंस रखना। अगर ऐसा होता है कि आप कोई डिसीजन नहीं बना पाते हो, आपको कोई डिसीजन बनाने में इश्यू हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, फाइटिंग चल रही है एक अननेसेसरी, तो उसके अंदर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है। ओके, जैसे आप पेशेंस रखोगे, जब आप पेशेंस रखोगे आपको सही टाइम पर सही चीज़ क्या करना है क्या नहीं करना आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृषभ राशि। डोर टू स्पिरिट, द थिंकिंग मैन, कॉर्नुकोपिया एंड हैप्पी फैमिली। सो डेफिनेटली फैमिली के साथ तो मुझे बहुत अच्छा एक चेंज भी आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। फैमिली के साथ एक अच्छी हारमनी रहेगी, जॉय रहेगा, संतुष्टि रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा, आप कंटेंटेड फील करोगे अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है आप कहीं फैमिली ट्रिप पे भी आने वाले टाइम में प्लान करो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए अगर आपके फादर के साथ कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वो भी मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और उसके साथ साथ अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज आपकी मुझे बहुत फ्री स्पिरिटेड एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कुछ काम ना करना और ये सब। आज आप मेरे को सोचने में, सोच विचार में भी काफ़ी लग रहे हो कि आप काफ़ी टाइम किसी चीज़ को सोचने में लगाओगे, सोच विचार में लगा सकते हो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके साथ अच्छा सा हो सकता है जिसकी वजह से आपको राहत मिलेगी। ओके, जैसे हम कभी कभी कुछ सोचते हैं लेकिन फिर एंड में होता है हाँ फाइनली हो गया, तो एक मुझे वो वाली चीज़ आप लोगों की डेफिनेटली दिखाई दे रही है। हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। ब्रोकन हार्ट, द गार्डन एंड द गेट, एंजल ऑफ लव एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वाओ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए। पहली बात तो नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 30 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, इस महीने की 30th डेट आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी हार्ट ब्रेक का हील होना, अगर आप अभी रिसेंटली किसी टाइप के पेन में थे और वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी, या फिर आप बहुत कोशिश कर रहे थे अपने आप को सही रखने की, अपनी हिम्मत जुटा के रख रहे थे किसी चीज़ के अंदर, तो अब उसके अंदर आपको बहुत जल्दी एक सोल्यूशन मिलेगा। आज आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, जैसे कि अगर आपको डाउट है किसी के ऊपर कि वो इंसान आपको प्यार करता है या नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिकली हो, ये फैमिली में भी हो सकता है कि मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है या नहीं, तो आज आपको किसी चीज़ में यकीन भी होगा कि हाँ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपके दिमाग में कोई चले तो वहाँ पर भी आपको आंसर मिलेगा कि हाँ आपको वो प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आगे भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये भी मुझे एक ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी अबंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा लकी है, ठीक है, मतलब कि लक्ष्मी घर में आने वाली चीज़, कोई ऐसा इंसान लग रहा है जो आपकी लाइफ में एक जीती जाती लक्ष्मी माता लेके आएगा। या ओके, कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। इनडिसिजन,
सेवेंथ चक्रा विच इज़ क्राउन चक्रा, वॉकिंग अवे एंड डोर टू स्पिरिट. पहली चीज़ तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ से जा रही है. ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ लोगों के लिए इनडिसिजन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन हो सकती है, बट ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ छोड़ के जा रहा है. ओके, मुझे ऐसी वाइब आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है, कोई लेट्स से कोई घर छोड़ के जा रहा है या कुछ भी ऐसा. और ये कहीं ना ये जो न्यूज़ है मुझे आपके लिए अच्छी लग रही है कि जैसे ऐसा नहीं होगा कि आपको इस चीज़ में कोई इशू होगा या कुछ भी ऐसा. तो वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली लग रही है, और हो सकता है उस चीज़ से पीछा छुड़वाने के लिए आपने बहुत प्रे किया हो, आपने बहुत मेहनत की हो. तो अगर आपको पहले कभी ना कोई डाउट था कि इस इंसान से पीछा नहीं छूट रहा है या इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से पीछा नहीं छूटने वाला या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ अब मुझे फाइनली आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है. आप मुझे खुश, एक हैप्पी, फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आज के दिन. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि. Appreciation, women holding a card and third chakra which is solar chakra, और साथ में आया है action. तो आज आपका जो दिन है वो होना चाहिए एकदम action लेने में, action oriented दिन होना चाहिए. आज आपको अपना time बिल्कुल भी सोचने में waste नहीं करना है. आज हो सकता है कि आपको अपना solar chakra use करना पड़े, मतलब कि अपना confidence, अपनी will, अपना courage, ये तीन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है आज, कि आप अच्छे से इन चीज़ों का इस्तेमाल करो. हो सकता है कुछ इंसान को लेके भी आपको actions लेने हो, इनिशिएट करना हो, किसी को परस्यू करना है, वो एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है. और काफ़ी लोगों के लिए मेरे को ये भी लग रहा है कि अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे भी मुझे गुड न्यूज़ दिख रही है कि आपको उस चीज़ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, गॉडेस ऑफ द मून एंड सेक्रल चक्रा, और साथ में आया है ब्लॉसमिंग अबाइंडेंस. आप लोगों के लिए फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट अगर कोई था, कोई ऐसी स्टैग्नेंट एनर्जी हो रखी थी आपके फाइनेंसेस में, आपके पैसे जाए जा रहे थे, इतनी कोई सेविंग नहीं हो रही थी, कोई लॉस हो रखा था या कुछ भी ऐसा, तो वो कहीं ना कहीं अब मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में. ओके, एक ब्लॉसमिंग अबाइंडेंस वाली एनर्जी है कि अबाइंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से आई है. और अबाइंडेंस का मतलब ये नहीं कि एकदम से सब कुछ आ जाना ये वो. अबाइंडेंस का कभी कभी ये भी होता है कि खाली फाइनेंशियल अबाइंडेंस नहीं, लेकिन आप अपने अंदर कैसा फील कर रहे हो, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे छोटा महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके पास कुछ नहीं है या कुछ भी ऐसा, तो उस एनर्जी के अंदर भी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अबंडेंट फील करोगे. हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आपको ऐसा फील करवाए, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि अच्छा ये इंसान है तो सब कुछ है मेरी लाइफ में. ओके, एक वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है. ओके, जैसे किसी को लेके कुछ बहुत स्ट्रांग रियलाइज होना, एंड फाइनेंसेस में भी मुझे आपके रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि. तुला राशि वालों का 17th of October, तुला राशि 17th of October. द गार्डन एंड द गेट, डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. तो आज आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ लग सकती है अपने माइंड को टेम करने में. ओके, आज आपको ध्यान देना है अपनी पर्सनल हैप्पीनेस और हीलिंग पे. आपको ऐसी क्या चीज़ें जो आपको खुश करती हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो आपको आराम देती हैं, ऐसी क्या चीज़ें जिनसे आपको शांति मिलती है. हो सकता है उस चीज़ के अंदर थोड़ा सा ब्लॉक आए काम की वजह से, कि काम ज़्यादा है, ये है, वो है, हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है लीजा, मैं कैसे ये कर लूँ वो कर लूँ. बट नहीं, आज आपको टाइम निकालना है अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लिए टाइम निकालना है. ठीक है, गेट आपको ही खोलना पड़ेगा, गेट आपके लिए कोई आके खोलेगा नहीं, तो आपको गेट खुद खोलना पड़ेगा. आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, मतलब
मतलब कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, ओके. और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को स्ट्रेंथ लग सकती है अपने दिमाग को टेम करने के लिए, और शायद से इसलिए मैसेज आया है कि जब आप थोड़ा सा लाइट फील करोगे, एक ब्रेक लोगे या कुछ भी ऐसा, तो आपकी अपने आप जो एनर्जी है वो बहुत नॉर्मल हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी, हील्ड हो जाएगी. वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? एप्रिसिएशन, द गार्डन एंड द गेट, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड कॉर्नगोपिया. तो वृश्चिक राशि वालों को मुझे ऐसा लगता है कि आज आपके काम में आपको रिकग्निशन मिल सकता है, आपकी तारीफ हो सकती है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जा सकता है. और चाहे काम का ना हो, पर्सनल लाइफ में भी मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको किसी चीज़ को लेके अप्रिशिएट करना, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना, जो आप दूसरों के लिए करते हो सकता है कि वो चीज़ इग्नोर हो जाती हो, या लोग आपको इस चीज़ का फीडबैक ना देते हो, आपको थैंक यू ना बोलते हो, लेकिन आज मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको लेके लोग ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपको एक अच्छा दर्जा दे सकते हैं, एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है. और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये स्पेसिफिकली लव लाइफ के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कम्प्लीटली सिंगल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आने वाला है, और वो इंसान आपका हार्ट चक्रा डेफिनेटली एक्टिवेट करेगा. ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि. थर्ड आई चक्रा, सेवेंथ चक्रा विच इज़ योर क्राउन चक्रा, विक्ट्री एंड सिक्स्थ चक्र. बाप रे, चक्रा ही चक्रा आए हैं आज तो आप लोगों के. तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप आध्यात्मिकता में हैं, या अगर आप किसी भी टाइप के वूंड को, किसी भी टाइप के ट्रॉमा या इशू को हील करने में लगे हुए थे, या कोई प्रॉब्लम को भी हील करने में लगे हुए थे, तो उसमें भी मुझे आपकी लाइफ में एक विक्ट्री आती हुई दिख रही है. काफ़ी लोगों के लिए मुझे ग्रीन कलर काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, येलो कलर, गोल्डन कलर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. अगर आपके पास एवेंचुरिन क्रिस्टल है, तो अगर आप एवेंचुरिन क्रिस्टल पहनोगे या अपने पास रखोगे, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा. और साथ साथ मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है इन द सेंस कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, किस पाथ पे आपको जाना है, कैसे आपको एक्शंस लेने हैं, आपको विक्ट्री कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी. कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी आता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एनवी, यिन एंड यांग, एंजल ऑफ बैलेंस. पहली चीज़ तो ये, कुछ लोग मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, हो सकता है आप एक अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, नंबर वन. नंबर टू, आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी आज, या लगानी पड़ेगी बैलेंस बिठाने में लोगों के साथ. कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेके थोड़ा एनवी फील कर सकते हैं, चिढ़ सकते हैं आपको लेके कि आपकी लाइफ ऐसी है, उनकी लाइफ ऐसी नहीं है, एक कंपैरिजन वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है, और वो आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ ये चीज़ कौन कर रहा है, कौन नहीं. तो आपको तब भी उनके साथ बैलेंस बिठा के चलना है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी है, ठीक है. वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ ऐसा है या वैसा है या जो भी, आपको अपने ऊपर किसी भी टाइप का ब्लेम नहीं लेना. आपको आज बैलेंस बिठा के चलना है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि किसी के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, मतलब ऊंच नीच. जैसे अगर कोई इंसान बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहा है, तो आप मेच्योरली बिहेव करो आज के दिन, ठीक है. तो आपको ऐसे बैलेंस बिठा के चलना है कि जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं उसके साथ आपको कैसे डील करना है, क्योंकि आपके पास वो पावर और इंटेलिजेंस है कि आप ऐसे लोगों को या ऐसी सिचुएशंस में आप बहुत अच्छे से बैलेंस बिठा सकते हो. कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? हॉस्टिलिटीज, स्ट्रैटेजी, इनडिसिजन, एनवी. आज मेरे को ना सबकी एनर्जी थोड़ी ऐसी लग रही है जहाँ पे एनवी, ग्रे एनर्जी एज इन थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स वाली एनर्जी, थोड़ी डार्क नेगेटिव एनर्जी, इस टाइप का मुझे सबका ही कलेक्टिवली ऐसा लग रहा है. लेकिन अगर मैं बात करूँ कुंभ राशि की, कुंभ राशि वालों को ना थोड़ा सा आज अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके. हो
सकता है कि कुछ अननेसेसरी फाइट्स लोग क्रिएट करना चाहें, हो सकता है कि अननेसेसरली आपके पास आके बहस करना चाहे, आप थोड़ा सा आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं आज, आपको ऐसा कभी अच्छा फील हो सकता है, कभी बुरा फील हो सकता है, और हो सकता है आपको समझ भी ना आए कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ये एक एक्सटर्नल एनर्जी है जिसका प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, जिसका इन्फ्लुएंस, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको नज़र लगाना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ रहे हैं, या कुछ भी ऐसा, तो उस एनर्जी से आपको बच के रहना है, हो सकता है, हो सके तो आज अपने लिए अपने किसी को बोल के या अपने खुद से अपनी नज़र उतरवा लेना कुंभ राशि वालों। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि, जर्नी, मैन होल्डिंग अ हार्ट, सोलर चक्रा, एंग्जाइटी। ऑलराइट, हो सकता है कि आपका कोई अपना कहीं बाहर गए हुए हैं, किसी ट्रिप पे गए हुए हैं, या वैसे किसी काम से बाहर गए हुए हैं, और हो सकता है आपको उनकी चिंता हो, उनके वेलबींग की चिंता आपको थोड़ी सी सता सकती है, आप हो सकता है उनको मिस भी कर सकते हो, सकता है आपको ये चिंता रहे कि वो सही है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ ऐसे डाउट्स मुझे दिख रहे हैं जिसकी वजह से एक एंग्शियस स्टेट आ सकती है आप लोगों की मीन राशि की। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आज आपको अपने सेक्रल चक्रा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपके कुछ कंट्रोल इश्यूज बाहर आ सकते हैं, आपके अनहेल्दी अटैचमेंट्स बाहर आ सकते हैं, किसी को कंट्रोल करना, किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच हो जाना, ये सब चीज़ें बाहर आ सकती हैं, तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है मीन राशि, ठीक है। और एंग्शियस नहीं होना है, हो सकता है कि कुछ बाहर चीज़ें चल रही हो, आपको वो चीज़ ना दिख रही हो, और उस वजह से भी आप काफ़ी एंग्शियस फील करो, आपको घबराहट हो कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, उस चीज़ पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है, आपको अपनी एनर्जी अपने ऊपर ही रखनी है। तो ये थी हमारी 12 राशियाँ, एंड आई होप आपको हेल्प मिली हो, आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए, एंड मैं मिलूँगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डरा।